के लोग ले लेके आने वाले लोग को बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा वाले लोग, और पता नहीं कितना लड़के लोग के साथ ऐसा करेगा। तो जितना भी लड़के लोग उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा जो भी लेके आएगा उसका बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए, जेल जाना चाहिए। ये नाबालिग लड़की है और ये नागालैंड से आई है, हमें नहीं पता था जी, और पहले और भी लड़कियां आती हैं इधर और ये नहीं पता कि ये धर्म परिवर्तन करती है। दर्शकों ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये तस्वीरें मढ़ विधानसभा में पटियाली चक के वार्ड नंबर 72 से आई हैं। यहाँ पर कुछ लोगों द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है और स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ पर धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू लद्दाख विजन और मैं हूँ साक्षी साहनी। ये तस्वीरें जो आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें उसी घर के बाहर से हैं जहाँ पर आप लोग साफ देख रहे हैं कि पुलिस यहाँ पर तैनात है। आप लोग देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर पुलिस यहाँ पर पहुंच चुकी है और आपको बता दिया जाए कि ये जो मामला है वह दोमाना थाना के अंतर्गत है और आप लोग साफ देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर जोरदार हल्ला प्रदर्शन कर रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रदेश के बाहर से लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है और फिर उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। लोगों का कहना है कि इससे पहले भी इस तरह के कई मामले यहाँ पर देखे जा चुके हैं और उसी के खिलाफ आज ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। दर्शकों ये जो तस्वीरें आप लोग देख रहे हैं, ये तस्वीरें आपको पटियाली चक के वार्ड नंबर 72 से दिखाई जा रही हैं। यहाँ के लोगों का ये आरोप है कि छोटी छोटी नाबालिग लड़कियों को यहाँ पर लाया जाता है और उनका धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। जब हमारी बातचीत पुलिस के आला अधिकारियों से हुई तो उनका कहना है कि यहाँ से एक नाबालिग लड़की को बरामद किया गया है। अगर उस लड़की की बात की जाए तो कहा जा रहा है कि ये लड़की नागालैंड से लापता हुई थी। छानबीन करने पर पता चला कि इस लड़की की मिसिंग रिपोर्ट पहले से ही नागालैंड के थाने में लिखवाई गई थी। इसी के साथ आपको ये भी बता दें कि इस लड़की की बड़ी बहन भी यहाँ पर आई हुई है और उसका कहना था कि वह खुद भी नहीं जानते कि कैसे उसकी छोटी बहन को यहाँ पर लाया गया। फिलहाल उस लड़की की बड़ी बहन का यही कहना है कि उसे इस बात की तसल्ली है कि उसकी छोटी बहन उसे मिल गई है। और अगर बात की जाए इस जगह की तो आप साफ तस्वीरें देख रहे हैं पटियाली चक के वार्ड नंबर 72 से, जहां पर खूबदार जोरदार हल्ला प्रदर्शन हुआ है और यहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है वो जानने के लिए देखते रहिए ये रिपोर्ट। ये तू जाने चाहिए और आज का जाने चाहिए, तू से नहीं रहा, तू थोड़ा सा बाहर जाओ, गाड़ी में खड़े हो। हम दोनों की तलियां घिस गई तुम्हारे सारे बैठ बैठ के घूमते जाते हैं। ये बंदे जिम्मेवार नहीं है जितने साइन करके दे रहे हैं। खुद आ रहे हैं आप, मुझे पता है बाल मुंडिया देनी तो मिनट भी देनी उसे तुम थोड़े पिछे। मेरा नाम है ललिता, ये गांव वाले लोग वो लोग की मदद से यहाँ पहुंची है, मेरा बहन को ढूंढ ढूंढ के ये सर जो है और ये लोग मदद से मैं यहाँ पे पहुंची हूँ। मेरा बहन को दिमापुर नागालैंड से मेरा बहन को लेके आया, किडनैप करने लेके बेचने के लिए लेके आया ना, क्या करने के लिए लेके आया, और उसका वो लड़का जो पापा जो है हम लोग को घुमा घुमा के लेके आया यहाँ पे, और मेरा बहन से दो तीन करने से हम लोग को खड़ा करके बहन से मिलने नहीं दिया। उसके बाद हम लोग पुलिस को बुला के मेरा बहन से मिलने दिया। वो लड़की लोग को यहाँ पे लेके बेस्ट आया, मैंने गाँव वाले लोग का मुंह से सुना है वो लोग का मदद से, वो लड़का यहाँ पे लड़की दो तीन और दिमापुर नागालैंड से लेके ऑलरेडी बेच दिया है होटल में और किसी को जान से मार दिया है। तिलक लड़का का नाम है तिलक, जो मेरा बहन को यहाँ पे लेके आया, उसका पापा का नाम मुझे नहीं पता है।
मेरा बहन का नाम भी बिहम डी लंगटा सा, वो 11 क्लास में पढ़ाई कर रही है और 18 साल भी नहीं हुआ है। वो डेट 24 में, वो डेट 24 से वो दिमापुर में गायब हुआ है। उसे हम लोग ढूंढ ढूंढ के और लड़का को हम लोग फोन किया कि वो लेके नहीं आया, इसलिए हम लोग इतना ढूंढा। बाद में पता चला कि वो लड़का ही लेके आया और हम लोग ऐसे ही मदद कर, किसी से मदद ले लेके यहाँ पे पहुंची हूँ जम्मू पे। और अभी फाइनली मेरा बहन मिल गया है सही सलामत गांव से, और ये पुलिस मेरा साथ में मेरा भैया आया हुआ है। क्या सर, लड़की लोग को ले लेके आने वाले लोग को बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए ऐसा वाले लोग को। और पता नहीं कितना लड़की लोग के साथ ऐसा करेगा, तो जितना भी लड़के लोग उसकी सेफ्टी के लिए ऐसा जो भी लेके आएगा उसका बहुत बड़ा सजा मिलना चाहिए, जेल जाना चाहिए। हाँ जी, ये जो लड़की आई है ना, ये आई है, नाबालिग लड़की है और ये नागालैंड से आई है। हमें नहीं पता था जी, और पहले और भी लड़कियां आती हैं इधर, और ये नहीं पता कि ये धर्म परिवर्तन करती हैं। अभी हमें पता चला कि ये धर्म परिवर्तन करती हैं, ऐसे ये फांडे वगैरह करके ऐसे पखंड वगैरह बनाया है इन लोगों ने, और यहाँ पे लड़कियों का धंधा बनाया गया है। और हमें जो ये जो हमारे समाज के लोग हैं, ये अभी अभी जागरूक हो रहे हैं, इनको पता ही नहीं था कि यहाँ पे क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और अभी ये सभी इकट्ठे हुए हैं यहाँ पे, ये सारे गांव के लोग ही हैं, ये जो जहाँ पे एकत्रित हुए हैं ये सभी हमारे गांव के लोग हैं, मेरे ही भाई बहन हैं। और हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से निकाला जाए, हमें गंद नहीं डालना है अपने मोहल्ले में ना कुछ। यहाँ पे पुलिस भी आई है, हमने पुलिस को भी बुलाया है, यहाँ पे SHO साहब सभी आए हुए हैं, तो अपना काम जारी कर रहे हैं। ये बाहर नहीं आ रहे हैं, एक तो इनको गए हैं, लेडी पुलिस अंदर गई है अभी, इनका दरवाजा वगैरह तोड़। बस हम यही चाहते हैं कि पुलिस अपनी कार्रवाई करे।